हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इजी इंग्लिश लैंग्वेज। मैं आपका दोस्त अबूज़र। आज हम सिनोनिम क्यूज़ का पार्ट टू देखेंगे, जो कि और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उससे आपकी वोकेबलरी कितनी मजबूत आप इस टेस्ट से मालूम कर सकेंगे। चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल के माने होता है किफ़ायती, यानी जो पैसे वगैरह को बहुत ही बचा बचा कर इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रूगल। आपको 5 सेकंड दिया जाएगा हर क्वेश्चन के बाद, और आपको एक ऑप्शन चूज़ करना होगा, उसके बाद मैं आपको जवाब बताऊंगा। इसका जो ऑप्शन होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल के माने फ्रूगल के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटिव। मोटिव के माने होता है नंबर एक नियत, नंबर दो जो होता है प्रेरणा, जिसको हम अभिप्रेरणा कहते हैं। इसका जो ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इंटेंशन। इंटेंशन के माने वही होता है मोटिव, यानी नियत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 वाला, पिटी। पिटी के माने दया। इसका आपको बताना है सिनोनिम, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑफेंस है, दूसरा मर्सी, तीसरा काइंडनेस, चौथा जॉय। इसका जो ऑप्शन रहेगा वो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मर्सी। मर्सी के माने दया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 वाला है क्वैश। क्वैश के माने मिटा देना या ख़त्म कर देना, या जिसको हम कहते हैं जीत जाना, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन, प्लेज, रिजेक्ट, स्लैश। आपको एक आंसर इसमें बताना होगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रिजेक्ट कर देना, ठीक है। क्वेश्चन के माने रिजेक्ट कर देना, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट के माने होता है नियंत्रित करना, या जिसको हम कहते हैं रोकना। 4 ऑप्शन दिया हुआ, पहला है कर्टेल, प्रोहिबिट, रिटेन, चौथा है रिटेल। आपको एक ऑप्शन चूज़ करना होगा कि रिस्ट्रिक्ट की सिनोनिम क्या इसमें है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, प्रोहिबिट करना, यानी मना करना, रोकना के माने में आता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट की ये सिनोनिम हो जाएगी, और बाकी तीनों गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट के माने क्या होता है, आशा करना, उम्मीद करना पहले से, उसको कहते हैं एंटीसिपेट। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एंटागोनाइज, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, होप। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, एक्सपेक्ट करना, यानी उम्मीद करना, आशा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस की कई मीनिंग होती है, भयानक के माने भी आते हैं, और इसका एक माना बड़ा, विशाल के माने में आता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, ऑसम, रिमार्केबल, कंसिडरेबल, एक्सेसिव। इसमें आपको बताना है कौन ऑप्शन सही है। इसका जो सही आंसर है, डी वाला हो जाएगा, एक्सेसिव, ठीक है। उसके माने होता है ज़्यादती के माने में आता है ट्रेमेंडस के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटिकुलस। मेटिकुलस के माने होता है सूक्ष्म, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, करेक्ट, क्लीन, मेथोडोलिकल, और चौथा दिया हुआ है पेन स्टेकिंग। इसका जो ऑप्शन रहेगा, डी वाला सही हो जाएगा, पेन स्टेकिंग के माने होता है मेटिकुलस, यानी सूक्ष्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबंडेंट। अबंडेंट के माने होता है प्रचुर, यानी ज़्यादा के माने में होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सफिशियंट, प्लेंटीफुल, सिग्निफिकेंट, वाइब्रेंट। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, उसके नज़दीक कौन सी मीनिंग है अबंडेंट की। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी वाला सही हो जाएगा, प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल के माने अबंडेंट, बहुतायत, ज़्यादा के माने में आता है, ठीक है। लास्ट वाला देख लेते हैं, एक्वेंट। एक्वेंट के माने परिचित, यानी जान पहचान का, या किसी को इंट्रोड्यूस करवाने के माने में आता है, ठीक है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ, अराउज, इंट्रोड्यूस, अपॉइंट, एक्वायर। इसका जो आंसर हो जाएगा, इंट्रोड्यूस, ठीक है, एक्वेंट के माने में आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।